काफी ठंड है। अरे जनवरी महीने में ठंड तो होगी, यहाँ तो बम्बई से खास लोग घूमने के लिए आते हैं जून के महीने में गर्मी से बचने के लिए, जैसे कलकत्ते से दार्जिलिंग चले जाते हैं। चलिए आइए। ये भी दार्जिलिंग का छोटा भाई है। अरे आज देशपांडे साहब, अरे तुम बिजली का रास्ता कैसे भूल गए? अरे इस ठंड में तुम्हारे पास कौन आएगा सौरभ? सभी कमरे खाली होंगे, तभी तो चला आया। खाली है ना? अरे दो मिनट से सब खाली है। खाली तुम दो पहला आदमी है जो इधर आया। ये है हमारे कलकत्ता के मित्र ओमकेश बख्शी, पहली बार बम्बई आए हैं। सोचा इन्हें हमारे पुना और महाबलेश्वर घुमा लाओ, बस आज ही पुना से ही आ रहा हूँ। और ये है सोहराब होम जी, पहले बम्बई में थे, अब इस होटल के मालिक हैं। बस दो ही महीने हुए इसे खरीदा इन्हें। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, आइए आइए। तुम बंगाली है ना? पर तुमको जानकर ये ताज्जुब होगा कि दो महीना पहला इस होटल का मालिक भी बंगाली होता। अच्छा, क्या कह रहे, बंगाली ने इतनी दूर आकर होटल खोल लिया? जी हाँ, लेकिन उसका एक और पार्टनर होता गुजराती। आप तो बंबई के रहने वाले हैं, तो यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं? होटल तो खाली है। फिलहाल खाली है, पर मार्च महीने के बाद में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। उससे पहले सब सज धज के ये रखना पड़ता ना, और फिर इतना बड़ा एरिया, इसकी भी तो देखभाल करनी पड़ती है ना। चले देखे। चलो चलो। काफी गहरी खाई है। बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी। ये आवाज कैसी है? ये शेर की आवाज है। यहाँ क्या शेर भी है? हाँ, यहाँ शेर, चीता, लकड़बग्घा, लोबड़ी सभी रहते हैं। ये शेर की आवाज जो तुमने सुनी ना, उसे इंसान के खून का चस्का लगा हुआ है, इसलिए जगह छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, ये शेर कहीं ऊपर तो नहीं आते? अरे नहीं नहीं, ये जंगल से बाहर नहीं निकलता। शेर इंसान को खाता जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा डरता भी उससे है। आपने सर्कस में नहीं देखा? इस शेर ने कितने आदमियों को खाया? मैं तो सिर्फ एक के बारे में जानता हूँ। बड़ी दिल दहलाने वाली कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। करीब 6 साल पहले मानिक मेहता एक गुजराती और विजय विश्वास एक बंगाली, दोनों ने मिलकर महाबलेश्वर में ये होटल खोला था। दोनों बराबर के साझेदार थे, मेहता के रुपए और विश्वास की मेहनत। मेहता के और भी कई धंधे थे, इसलिए वो महाबलेश्वर में नहीं रहता था, बीच बीच में आता जाता था। और होटल का पूरा करता धरता था विश्वास। असल में होटल की पूरी देखभाल करती थी विश्वास की पत्नी हेमवती। मानिक मेहता आदमी कैसा था? बहुत ही दुष्ट और पाजी आदमी था। उसकी 3-3 औरत थी, एक बंबई में, एक गोवा में और तीसरी अहमदाबाद में। वो अक्सर इन तीनों जगह पर रहता था। उसके कई गैर कानूनी धंधे थे, जैसे शराब की बूटलेगिंग, सोने की तस्करी। कई बार उसका माल पकड़ा गया, पर उसको कोई नहीं पकड़ पाया। विश्वास और उसकी पत्नी के मैनेजमेंट से कुछ ही दिनों में वो होटल खूब जम गया। सारा खर्चा निकाल के नेट इनकम होती थी करीब 35,000 से 40,000 रुपया। सीजन खत्म होने के बाद में मेहता वहाँ आता और अपना हिस्सा ले जाता या उसे बैंक में जमा करा लेता। पिछले 6 साल से मैं हर साल उसी होटल में ठहरता था। मुझे वो होटल बहुत अच्छा लगता था और मन ही मन कभी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसा होटल खोलूं। मुझे यहाँ की सब चीज़ अच्छी लगती थी। पुराने ग्राहक के होने की वजह से हेमवती मेरा खास ख्याल रखती थी। मिस्टर होम जी, अगले साल जब आप आएंगे तो हमें यहाँ नहीं देख पाएंगे। अरे क्यों नहीं देख पाएंगे? होटल बेचने का सोच रहे हैं, हमारे पार्टनर ये होटल बेचना चाहते हैं और हम भी राजी हो गए हैं। वैसे भी यहाँ की सर्दी अब मेरे पति को बर्दाश्त नहीं होती। हम सोच रहे हैं हम बंगाल चले जाएं। जब से शादी हुई है बाहर ही रहे। ये तो बड़े अफसोस की बात है। तुम दोनों की वजह से तो ये होटल पॉपुलर हुआ है। वो तो है, इस होटल को हमने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। इसे छोड़कर हमें भी अफसोस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विश्वास से बात करता हूँ। हाँ होमी जी, बात तो बिल्कुल सही है। मिस्टर मानिक मेहता को पैसे की जरूरत है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ठीक है, जाने वाले को कोई रोक तो सकता नहीं। कोई खरीदार मिला? क्यों, आप ही तो कहते थे ऐसी जगह में इस तरह का अगर होटल मिल जाए तो मैं खरीद सकता हूँ। आप क्यों नहीं खरीद लेते?
मैं खरीद सकता है, तुम्हारे पार्टनर का शेयर मैं खरीद लेता है। नो नो सॉरी, हम तो सारा का सारा होटल बेचना चाहते हैं। ठीक है, कितना मांगता है तुमको, तुम्हारा पार्टनर किधर है? मिस्टर मेहता इस समय हिंदुस्तान के बाहर है। इस होटल को बेचने के लिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे गए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आखिर 90,000 में फैसला हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना तो 2-4 दिन का काम तो नहीं है ना। दलील दस्तावेज तैयार करवाना, वकीलों से मशवरा करना, रजिस्ट्री ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाना, ये करते करते 2 महीना गुजर गया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसके दूसरे रात को 9 बजे माणिक मेहता महाबलेश्वर से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर पैदल होटल में आया। कौन? मैं माणिक भाई, खोलो। आइए माणिक भाई, आइए आइए बैठिए। आप गाड़ी नहीं लाए? नहीं, गाड़ी मैं महाबलेश्वर के बाहर छोड़कर आया हूँ। होटल का सौदा हो गया? हाँ हो गया। अच्छा हुआ आप आ गए। आपने खाना खाया? है कुछ खाने को? हाँ मैं अभी बना देती हूँ। ज्यादा कुछ मत बनाना भाभी। दूसरे दिन सुबह हेमवती ने जो कुछ मुझे कहा वो सुनकर मैं दंग रह गया। मैं जब वहाँ से चली गई तो मैंने सुना कि दोनों बातें करते करते कमरे से बाहर पिछवाड़े के मैदान में चले गए। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस ठंड में वो बाहर कैसे गए। मेरे पति को वैसे भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यूं ही चले गए हों। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अचानक एक चीखने की आवाज़ आई, मेरे पति की चीखने की आवाज़ थी। मैं घबरा कर बाहर भागी तो मैंने देखा कि माणिक मेहता तूफान की तरह दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मुझे गिरा दिया और होटल के बाहर भाग गया। मैं सबसे पहले उठ के बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें जितने भी रुपए थे सब के सब गायब। कितने रुपए थे? सारे के सारे करीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख? तब हेमवती को सब समझ में आ गया। उसके पति को ढकेल कर गहरी खाई में फेंक कर माणिक मेहता सारे रुपए लेकर भाग गया। एक चीख मारकर वही हेमवती बेहोश हो गई। दूसरे दिन सुबह पुलिस आई। 2-4 दिन की छानबीन के बाद कुछ और बातें भी पता चली। तब से माणिक मेहता फरार है। उसने दुबई से 3 लाख रुपए का सोना मंगाया था जो कस्टम ने पकड़ लिया। तब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने बंगाली पार्टनर की हत्या की और 1.5 लाख रुपए लेके लापता हो गया। लाश बरामद हुई? नहीं, 2 दिन बाद पुलिस खाई में उतरी। उसने देखा विजय विश्वास के शरीर का कोई भी अंग बाकी नहीं था। कुछ हड्डियां, मफलर और कुछ खून से सने हुए कपड़े पुलिस लेकर वापस आ गई। शेर ने उसे पूरा खा लिया था, इसलिए पुलिस ने माणिक मेहता के खिलाफ उसका वारंट जारी कर दिया। और हेमवती? उस बेचारी विधवा की तो हालत आप समझ ही सकते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि यही काम कर ले, अच्छी तनख्वाह का भी लालच दिया, लेकिन उसका मन टूट चुका था और वो हमेशा हमेशा के लिए महाबलेश्वर छोड़कर चली गई। आइए, ये है आपका कमरा। अच्छा। इस कमरे में पहले विजय विश्वास और उसकी पत्नी रहते थे, लेकिन हेमवती के जाने के बाद ये कमरा जैसे था वैसा ही है। अच्छा। आपको कोई तकलीफ तो नहीं थी? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आपने तो सब इंतजाम कर दिया है। जाइए आप आराम कीजिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत होवे तो वो घड़ी पड़ी है, उसमें अलार्म है, और रात को अगर टॉर्च की जरूरत पड़े। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चलूं? जी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।
बजे का अलार्म? मैंने तो 7 बजे का लगाया था। पहली रात नींद तो ठीक से आई ना? वो तो ठीक थी, लेकिन आपका जो टाइम पीस है क्या वो जब चाहे बज उठता है? नहीं तो क्यों? कल रात को 2 बजे ही बज उठा और मैंने अलार्म 7 बजे का लगाया था। अरे टाइम पीस है, खराब हो गया होगा, मेरे पास दूसरा भी है, मैं बदली कर देगा। नहीं, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तो यूं ही लगा लिया था, वैसे तो जरूरत नहीं, बस पड़ा था लगा लिया। अरे आइए आइए देशपांडे साहब। आओ आओ। अरे सखराम एक चाय लाओ। अरे नहीं नहीं सोरा, मुझे चाय नहीं चाहिए, चाय पी क्या? बोलो क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं देशपांडे, मैं विजय विश्वास की मौत के बारे में इनको बता रहा था। अरे वही जिसको शेर खा गया। अच्छा अच्छा है? बस यही बात मुझे आखर थी। अभी व्योमकेश आप ही बताइए, क्या शेर मुर्दे को खा सकता है? भाई गोश्त ताजा है या बासी, इससे शेर को क्या फर्क पड़ता है? ये बात नहीं व्योमकेश, सवाल ये है, नंबर एक विजय विश्वास काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा, वो खुद गिरा या उसे किसी ने धकेला, जो भी हो वो गिरते ही मर गया, फिर घूमते घूमते शेर चला और देखा तो डिनर तैयार। या ऐसे भी हो सकता है वो शेर पर ही गिरा हो और फिर शेर ने गुस्से में आके उसे खा डाला। ये भी हो सकता है। नंबर दो, विजय विश्वास का हमारे बैंक में एक अकाउंट था, जिस रात उसकी मौत हुई उसी दिन उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया, क्यों? नंबर तीन, बस बस देशपांडे साहब, इनका कहना है कि दाल में कुछ काला काला है। मैंने लाख समझाया कि जब दोनों ने अपना होटल बेच दिया है तो जाहिर है दोनों महाबलेश्वर छोड़कर चले गए होंगे और इसलिए अपना अकाउंट बंद कर दिया होगा। लेकिन मेहता ने तो अपने रुपए नहीं निकाले, आज भी उनके अकाउंट में 20,000 पड़े हैं। अरे पड़े हैं तो एक दिन आके निकाल के ले जाएगा। निकालेगा कैसे, पुलिस न पकड़ेगी उसे। आपका क्या ख्याल है? मेरी थियरी कुछ अलग है। मेरा ख्याल है ये मेहता और हेमवती की मिली भगत है। आपने हेमवती को देखा नहीं, बड़ी चटकदार औरत है, और वो मेहता रुपए पैसे वाला, और उधर वो बंगाली विश्वास कड़का, दोनों ने मिलकर बंगाली विश्वास को रास्ते से हटा दिया। हेमवती जरूर मेहता के साथ कहीं रहती होगी। पर मेहता की तो 3-3 औरत पहले से है, चौथी किधर रखेगा? अरे बाबा जी, जिसे 3-3 बीवियों को पालने का शौक है उसके लिए चौथी या पांचवी क्या परेशानी? योमकेश ये हमारे होमजी बाबा आज भी बैचलर, इन्हें ये सब त्रिया चरित्र कुछ नहीं मालूम। अच्छा ये हेमवती अब कहाँ? पता नहीं। और मानिक मेहता अब कहाँ होगा कुछ मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं। दोनों की कोई तस्वीर या फोटो है आपके पास? जब भी होटल नया नया शुरू होता तब एक ग्रुप फोटो होती जिसके अंदर में हेमवती, विजय विश्वास और मानिक मेहता का फोटो होता, पर अब उसका भी मालूम नहीं किधर है। आप ही बताइए ओमकेश, आपको क्या लगता है मेरा अंदाज सही है या गलत? ऐसे कुछ पॉइंट जरूर है जो कि शक की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि यहाँ से मानिक मेहता कहाँ गया, हेमवती कहाँ गई, आज भी मानिक मेहता के अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपए क्यों हैं, है ना? और जिस रात विजय विश्वास की मौत हुई उसी दिन उसने अपने बैंक का अकाउंट बंद कर दिया, छानबीन तो होनी चाहिए, शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। That's it. Thank you very much, ब्योमकेश, आपकी तारीफ झूठी नहीं है। आप जरा छानबीन कीजिए, आप देखेंगे मेहता और हेमवती कहीं घोंसला बनाए बैठे हैं। माफ कीजिए आपको रात 2 बजे डिस्टर्ब किया, लेकिन देखिए इस घड़ी का अलार्म 2 बजे बज रहा है। और मैंने तो घड़ी बदल दिया था। लेकिन मैंने तो इसका अलार्म भी सेट नहीं किया।
कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे डराने के लिए तो नहीं आपने ये? क्या बात करते हैं मिस्टर बख्शी, ये भी कोई मजाक है किसी को रात को 2 बजे उठाने का? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए सो जाते हैं, कल इसका मुआयना करवाते हैं। प्लीज डोंट माइंड, गुड नाइट। गुड नाइट। घड़ी 2 बजे क्यों बज उठती है? इसी कमरे में विजय विश्वास और उसकी पत्नी भी रहती थी। विजय का खून हो गया, कहीं उसकी प्रेत आत्मा तो यहां मंडरा नहीं रही? और फिर विजय ने उसी दिन अपने बैंक का अकाउंट क्यों बंद कर दिया? फिर मानिक मेहता कहां गायब हो गया? क्या हेमवती सचमुच खराब औरत थी, अपने पति को भी मरवा दिया? यकीन तो नहीं होता, दोनों का फोटो भी गायब है, मनुष्य का चरित्र भी अजीब है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मिस्टर बख्शी, ए मिस्टर बख्शी, मिस्टर बुमकेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है? मैं 10 बजने को आया। 10 बज गए? हाँ। तू बाहर नहीं आया, हम समझा जाने क्या बात है, हम बोले तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, नींद ही नहीं खुली। अलार्म नहीं लगाया होगा? अरे अलार्म तो सही सलामत अलमारी में है, उसे कपड़ों में दबा कर रखा है कि कहीं बज उठे तो नींद कम से कम खराब ना हो। अच्छा उसे भी लेते आना। अच्छा तुम ही पढ़ लो। तुम ही बताओ ना, सब खैरियत है ना? लिखा है पहले ही 2 दिन लगातार रात के 2 बजे अचानक अलार्म घड़ी बज उठती थी, लगता है वहां भूतों का डेरा है। भूत का ही लिखा है ना, भूतनी तो नहीं? अरे भाभी यार, तो भूत ही लिखा है। हाँ तुम अगली चिट्ठी में पूछ लेना कि भूतनी तो नहीं है। अच्छा और? और साउथ कलकत्ता का कोई पता दिया है, वहां मुझे किसी औरत के बारे में कुछ पता करना है। हाँ ये भूतनी हो सकती है। पढ़ो। मैं पढ़कर सुनाता हूं। अगर इस पते पर हेमवती विश्वास ना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हेमवती विश्वास वहां पर हो तो उसे चंद सवाल करना है। मानिक मेहता के साथ जो उनका फोटो था वो कहाँ है? मानिक मेहता के साथ उसका कोई संबंध था या नहीं ये जानने की कोशिश करना। हेमवती के साथ कब और कहाँ मानिक मेहता की मुलाकात हुई थी? हेमवती की आर्थिक दशा अब कैसी है? घर में कौन कौन है सब पता लगाना। इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई सवाल आए तो उसे भी पूछना और जवाब फौरन मुझे लिख भेजना। कोई भी बात अजीब या संदेहजनक लगे तो मुझे फौरन टेलीग्राम करना। सुरेश तुम एक काम करो, तुम उस पेड़ के पास खड़े रहो। ठीक है। मैं अंदर जाता हूं, मुझे देर भी हो सकती है।
अगर मुझे काफी देर हुई ना तो तुम कुछ भी सिगरेट बीड़ी पीते रहना, ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। मगर ध्यान रखना कि इस मकान से कौन निकलता है, कहाँ जाता है, क्या हुलिया है और कौन अंदर आता है। अगर मैं बुलाऊं ना तो अंदर आ जाना। ठीक है जाओ। अरे जाओ ना, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, एक सिगरेट तो दो। आइए बैठिए, मालकिन नहा रही हैं, बस आती ही होंगी। ठीक है। तुम यहां कितने दिनों से काम करते हो? नया हूं सरकार, करीब एक महीना हुआ है। कहां के रहने वाले हो? जी फरीदपुर का हुजूर। यहां कलकत्ता में कितने दिनों से हो? जी कलकत्ता करीब 3 साल हो गए हुजूर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यहाँ इस घर में कितने लोग रहते हैं? जी मालकिन अकेली रहती है सरकार। मालकिन अकेली रहती है? कोई मर्द नहीं रहता? मैं हूं ना सरकार उनकी देखभाल के लिए। मेरा मतलब है यहाँ कोई आता जाता नहीं है? नहीं सरकार, आप ही पहले आदमी हैं। अच्छा रघु, तुम जाके गुसलखाना धो दो और जो कपड़े हैं उनको धो के सुखा देना। जी मालकिन। आप बैठिए। आप महाबलेश्वर से आए हैं? जी नहीं, मेरे मित्र ब्योमकेश बख्शी महाबलेश्वर घूमने गए हैं। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, कहा कि मैं आपसे मिलूं। आप भी बैठिए ना। तो क्या मानिक मेहता पकड़ा गया? जी नहीं, अभी नहीं। तो मुझसे क्या जरूरत है? मेरे मित्र ब्योमकेश बख्शी ने कहा है कि मैं आपसे मिलूं। ब्योमकेश बख्शी कौन है? पुलिस का आदमी है? ब्योमकेश बख्शी का नाम नहीं सुना? कलकत्ते के मशहूर जासूस हैं। उनका जिंदगी में एक ही मकसद है, सत्य की खोज करना। मेरा वक्त ज्यादातर बंगाल के बाहर ही कटा है, यहाँ के हालचाल का कुछ पता नहीं। वैसे भी मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती। माफ कीजिए, दरअसल मानिक मेहता को पकड़ने के लिए ही ब्योमकेश बख्शी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि मानिक मेहता से सबसे पहले आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई? 6 साल पहले। उस वक्त अहमदाबाद में हमारा एक छोटा सा होटल था। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, क्या आप मानिक मेहता से काफी घुल मिल गई थी? जी नहीं, मैं उन्हें कुल 6 या 7 बार मिली होंगी। उनका उठना बैठना मेरे पति के साथ होता था। वैसे भी वो साल में 1 या 2 बार आते थे, वो भी चोरी छिपे। अपने हिस्से का पैसा लेकर चुपचाप चला जाता था। अच्छा, उनके इस तरह चोरी छुपे आने से आपके मन में कभी कोई शक नहीं पैदा हुआ? जी नहीं, हमने तो सोचा था उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता था। उनकी कोई तस्वीर है? एक तस्वीर थी, ग्रुप फोटो, सयादरी होटल के दफ्तर में लटकी हुई थी। जिस रात मेरे पति गुजर गए उस दिन के बाद वो फोटो भी गायब थी वहां से। उस रात ऑफिस की अलमारी में कितना रुपया था? कुछ ठीक नहीं कह सकती, करीबन 1.5 लाख होगा। और वो सारा रुपया लेकर मानिक मेहता भाग गया? और कौन लेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफी तकलीफ दी। मैं आज ही ब्योमकेश बाबू को चिट्ठी लिखूंगा और आपसे इस मुलाकात के बारे में भी लिखूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। जरूर, लेकिन मैं यहां रहती हूं
ये आपके मित्रों को कैसे पता चला? मैंने तो अपना पता किसी को नहीं दिया। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता ब्योमकेश बख्शी ने दिया था। नमस्ते। अरे काफी वक्त लगा दिया, काम बना? हेमवती से मुलाकात तो हो गई, उसे जो पूछना था पूछ लिया, लेकिन काम बना कि नहीं कह नहीं सकता। मानिक मेहता कहां है इस बात का पता नहीं चला। चलो जी, आप जब ब्योमकेश बाबू को चिट्ठी लिखेंगे तो लिखना कि महिला के सोने के कमरे में दो खाट है। तुम्हें कैसे पता चला? आप तो अंदर जाकर जम गए, इस बीच ना कोई मकान में आया न गया। मैं खड़ा खड़ा क्या करता, सोचा क्यों ना मकान की खिड़की से अंदर झांक कर देखूं कि क्या है। अच्छा, और क्या देखा? जो कुछ देखा वो सोने के कमरे में ही देखा, बाकी दूसरे कमरे में तो कुछ था ही नहीं। दो खाट तो थे ही, साथ में एक कमरे में लोहे की अलमारी भी है जिसे वो दाढ़ी वाला नौकर खोलने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो नौकर ही था? उसके अलावा घर में और कोई मर्द नहीं है। देखो टैक्सी आ रही है, शायद खाली है। टैक्सी! अरे तुम, तुम्हारी चिट्ठी मिलते ही चला आया, एरोप्लेन से आया हूँ। चलो चलो फौरन निकलना है। अरे पुटी राम, जरा सामान अंदर रख दो तो। चलो चलो, चलो। ये दरवाजा तो खुला है। ऐ नकल, चलो आधा जगह कोई आए के नहीं। मुझे नहीं लगता कोई है, वरना इस तरह खिड़की दरवाजे खुले छोड़कर नहीं जाते। सर कोई नहीं है। हाँ? लगता है चिड़िया उड़ गई। चलिए सर। अब बताओ ना क्या बात है। पहले मैं अजीत से दो चार सवाल पूछूंगा। पहला ये कि उस रात को मानिक मेहता विजय विश्वास का खून करने उसे खाई के नजदीक क्यों ले गया? और विजय विश्वास अंधेरी रात में यूं ही खाई के नजदीक उसके साथ क्यों चला गया? अब खाई में फेंकने के लिए खाई के नजदीक नहीं ले जाएगा क्या? अच्छा, अब विजय विश्वास उसके साथ क्यों गया ये नहीं मालूम। दूसरा सवाल, उसी दिन विजय विश्वास ने अपने बैंक के अकाउंट से सारा पैसा निकाल कर अकाउंट बंद कर दिया, क्यों? क्या मालूम। तीसरा सवाल, मानिक मेहता के अकाउंट में अब भी 20,000 रुपए हैं, क्यों? अरे भाई, मानिक मेहता कहीं छुपा बैठा है, अगर वो कहीं पैसे लेने आएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, जिस दिन तुम हेमवती से मिलने गए, हाँ? सर्दी की शाम थी, हाँ, हाँ। और नौकर ने आकर बताया कि वो स्नान करने गई है, तो तुम्हें क्या कोई शक नहीं हुआ? शक क्यों होगा? अच्छा, पांचवा सवाल, नौकर पर क्या शक नहीं गया? नौकर पे शक करने की कोई वजह ही नहीं थी, कुछ ही दिनों से वहां वो काम कर रहा था। हाँ, अगर ये सच है कि वो अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी बात है। बिल्कुल भोलेनाथ के भोलेनाथ हो तुम। हाँ, नौकर अलमारी खोलने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं। महाबलेश्वर में दो लोगों ने खून करने का षड्यंत्र रचा था, उसमें एक थी हेमवती, दूसरा कौन था? हेमवती? दूसरा मानिक मेहता के अलावा और कौन हो सकता है? यही तो धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। हेमवती ने षड्यंत्र रचा अपने पति के साथ, मानिक मेहता के साथ नहीं। हाँ, हेमवती में और जो कोई भी दोष हो, लेकिन पतिव्रता थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? अब जो कुछ भी कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब होम जी ने अपनी कहानी सुनाई तो मुझे कुछ जमी नहीं, मुझे लगा जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। मानिक मेहता विजय विश्वास को खाई के नजदीक क्यों ले गया? और विजय विश्वास जो कि ठंड से घबराता था,
बाहर ठंड में क्यों निकल पड़ा? उसी दिन उसने बैंक से सारा पैसा क्यों निकाला? अगर कोई निकालता तो मानिक मेहता होना चाहिए ना। फिर उस दिन होटल के कमरे की अलमारी में मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला, उस पर कलकत्ते की उपनगरी का एक पता लिखा हुआ था। तब बात कुछ समझ में आई, लेकिन जब तुम्हारी हेमवती से भेंट की चिट्ठी मिली ना, तब मामला साफ हो गया। मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर आप्टे को सब बता दिया, उन्होंने आगे कलकत्ता पुलिस को इत्तला दी, और फिर उन्होंने मेरे एरोप्लेन में यहाँ आने का बंदोबस्त कर लिया। अब ये बात तो साफ है कि हेमवती और विजय विश्वास आज भी फरार है, लेकिन किसका खून हुआ है और खूनी कौन है, इस बात का पता चल गया। कैसे पता चल गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बताओ ना सचमुच क्या हुआ था। अब सच क्या है ये तो हेमवती और विजय विश्वास ही बता सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, फिर पता चलेगा। अब जो कुछ भी हुआ वो कुछ इस तरह है। पिछले साल मानिक मेहता का गैर कानूनी सोना कस्टम वालों ने पकड़ लिया, लेकिन वो पुलिस से बच निकला। अब इतना सारा सोना उसका पकड़ा गया था, कंगाल हो गया। अब उसके पास एक ही पूंजी बची थी, महाबलेश्वर का सह्याद्री होटल। सो उसने फैसला किया कि वो होटल को बेच देगा, नगद पैसों की जरूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि पैसे अगर होटल बेचकर मिलते हैं तो पैसे कौन लेता, मानिक मेहता या फिर विजय विश्वास भी? जहां तक मुझे ख्याल है, मुझे लगता है कि जब होटल खरीदा होगा तो सारे पैसे मानिक मेहता ने दिए होंगे, इसीलिए पैसे तो मानिक मेहता को मिलने चाहिए ना। लेकिन मुझे लगता है कि मानिक मेहता ने इस बार सारे पैसों पर अपना हक जताया होगा। उधर हेमवती और विजय विश्वास दूसरा खेल खेल रहे थे, उनका स्वभाव अपराध की तरफ झुका हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, वो चाहते थे कि सारा पैसा हड़प लें। हाँ, मानिक मेहता पुलिस की नजरों में अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो सारा दोष मानिक मेहता के सर मढ़ देंगे तो कोई शक नहीं करेगा। फिर कलकत्ते की उपनगरी में मकान का बंदोबस्त उन्होंने कैसे किया ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। मकान का पता हेमवती ने एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिख डाला, और फिर उस कागज के टुकड़े को उसने अलमारी में रख दिया ताकि पता उसे याद रहे। लेकिन पता तो उसे खैर थोड़े दिनों बाद जुबानी हो गया था, लेकिन वो कागज का टुकड़ा अलमारी में भूल गई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर एक रात किसी को कोई शक न हो, कोई जान न पाए, मानिक मेहता अपनी गाड़ी महाबलेश्वर के बाहर छोड़कर पैदल सह्याद्री होटल की तरफ निकल पड़ा। आइए मानी भाई, आइए बैठिए। आप गाड़ी नहीं लाए? नहीं, गाड़ी मैं महाबलेश्वर के बाहर छोड़ आया। अच्छा अच्छा, होटल का सौदा हो गया? हाँ हो गया। अच्छा हुआ आप आ गए। आपने खाना खाया? है कुछ खाने को? हाँ मैं अभी बना देती हूँ। ज्यादा कुछ मत बनाना भाभी, आज रात मैं यहीं रहूंगा। अच्छा। कल चला जाऊंगा। पैसे भी नहीं? हाँ निकालो। नहीं नहीं नहीं, कल ले लूंगा।
हेमवती होटल में ही रह गई। लड़की है हिम्मत वाली, सब कुछ संभाल लिया। एक ही साक्षी थी, उसने जो कुछ कहा पुलिस को मानना पड़ा, ना मानने की तो गुंजाइश थी नहीं। और फिर मानिक मेहता तो पहले से ही अपराधी था। फिर विजय विश्वास और हेमवती कलकत्ते की उपनगरी में रहने लगे। रुपया पैसा तो उनके पास था ही, चाहते तो ऐशो आराम से शहर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बड़े होशियार थे। फिर जब तुम हेमवती से मिलने गए और तुमने महाबलेश्वर का जिक्र किया तो चौकी तो होगी लेकिन घबराई नहीं। उसने अपना प्लान शुरू किया, वहां तुम्हें बैठक में बिठवा कर खुद घुसलखाने में चली गई और विधवा का वेश धारण किया। तुम्हें तो ये बात खटकनी थी अजीत, अरे जाड़े के मौसम में क्या कोई स्नान करने जाता है। फिर जब तुमने मेरा जिक्र किया वो सब भाप गई। उधर रमेश ने देखा कि सोने के कमरे में दो खाट हैं, और ये भी देखा कि नौकर अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने तुम्हारी चिट्ठी में ये दो बातें पढ़ी तो मैं भी सब जान गया और यहाँ चला आया, लेकिन तब तक दोनों निकल भागे थे। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद वो समझ गए थे कि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए रुपया पैसा लेकर गायब हो गए। भाई अब मैंने पुलिस को तो सब कुछ बता दिया है, हुलिया भी बता दिया है, चोरी एक न एक दिन तो जरूर पकड़ी जाती है, सो ये भी दोनों पकड़े जाएंगे। सब तो समझ में आ गया, लेकिन मुमकेश वो रात के 2 बजे घड़ी का अलार्म वो कुछ अरे जब घड़ी की जांच की तो पता लगा कि घड़ी ही खराब थी, दूसरे दिन बदली ही नहीं, वो सखाराम घड़ी बदलना भूल गया। और विजय विश्वास तो हेमवती के साथ नहीं था, वो कहाँ रहता था? घर में तो सिर्फ एक नौकर था। हाँ रघु। हे भगवान, इतना भी नहीं समझ पाए? अरे वो नौकर रघु ही विजय विश्वास था।